कलर्स टीवी के माइथोलॉजिकल शो शिव शक्ति में आसाने वाला है बड़ा ट्विस्ट, जब माता सती अपने आप को दक्ष के यज्ञ में आहुति दे देने वाली है, यानी अपने आप को उस यज्ञ में दहन करने वाली है। उसके साथ ही हमें देखने को मिलेगा जो महादेव है वो काफी ज्यादा क्रोधित होने वाले हैं और वो वीरभद्र और भद्रकाली को आग बुलाने वाले हैं और उनको आदेश देने वाली है कि जाओ दक्ष की जो सिर है उसको काट दो। हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके फेवरेट कलर्स टीवी के न्यूली लॉन्च माइथोलॉजिकल शो शिव शक्ति के आज के धमाकेदार एपिसोड में हमें क्या कुछ खास देखने को मिल सकता है। तो अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। राम हर्षवर्धन शुभ राजपूत स्टार माइथोलॉजिकल शो शिव शक्ति में आज बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। आज के एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा माता सती अपने आप को दक्ष के यज्ञ में दहन करने वाली है। उसके बाद हमें देखने को मिलेगा महादेव काफी ज्यादा क्रोधित होने वाली है और वो तांडव करने लगती है। उसके बाद वो अपने सिर से एक बाल को नीचे फेंकने वाले हैं। उसके बाद ही हमें देखने को मिलेगा उससे वीरभद्र और भद्रकाली निकलने वाली है और महादेव भद्रकाली और वीरभद्र को आदेश देने वाली है कि जाओ दक्ष की जो अहंकार है उसको दूर करो। उसके बाद हमें देखने को मिलेगा वीरभद्र और भद्रकाली काफी ज्यादा रुद्र रूप में आ जाती है और वो एक एक करके दक्ष के सारे सैनिकों को मारने लगती है। उसके साथ ही हमें देखने को मिलेगा जो दक्ष से वो काफी ज्यादा डरने वाला है और वो भागने लगता है। उसके साथ ही जो वीरभद्र है वो जो दक्ष की जो सिर है उसको काटने वाला है। उसके साथ ही हमें देखने को मिलेगा वीरभद्र और भद्रकाली का रुद्र रूप। तो आज के धमाकेदार एपिसोड में बहुत सारे नई ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाला है। तो अपकमिंग एपिसोड को देखने के लिए आप कितना ज्यादा एक्साइटेड है कॉमेंट्स में बताना मत भूलिएगा। शिव शक्ति फैंस को काफी ज्यादा पसंद आ रही है, लेकिन इस शो की जो कहानी है उसको थोड़ा सा खींच रहे हैं, इतना ज्यादा फास्ट नहीं जा रहा है कहानी। शिव शक्ति की ऑनलाइन और ऑफलाइन टीआरपी काफी ज्यादा अच्छा निकल कर आ रहा है। तो आपको क्या लगता है इस हफ्ते इस शो की ऑनलाइन टीआरपी क्या निकल कर आने वाली है और ऑफलाइन टीआरपी यानी बीएआरसी की टीआरपी क्या निकल कर आने वाली है। तो अगर वीडियो देखने में अच्छा लगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐसे ही नए अपडेट्स के लिए देखते रहिए एंटरटेनमेंट की बात, जहां पर हम देते हैं एंटरटेनमेंट से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले।